फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर सानहा जड़ावाला के मुतासरीन से इजहार यकजहती और अमन का पैगाम करने के हवाले से रेवरेंड डॉक्टर मजीद इब्न नौलखा प्रेस्बिटेरियन चर्च लाहौर के सरबराही में बैन अल-मज़ाहब वफ्द ने जड़ावाला की मसीही कॉलोनी का दौरा किया और सानहा जड़ावाला के मुतासर गिरजाघरों का मुआयना किया। वफ्द में कैथलिक बिशप, मॉडरेटर ऑफ प्रेस्बिटेरियन चर्च, लीडरशिप ऑफ सेल्वेशन आर्मी चर्च और मुस्लिम मसीही रहनुमा मौजूद थे। वफ्द ने डॉक्टर मजीद इब्न की निगरानी में लगभग 100 मुतासर खानदानों माली अमदाद की और मुतासर गिरजा घरों की तामीर और मरम्मत का तफसीली जायजा लिया। बाद अज़ा सेलिब्रेशन मैरिज हॉल नज़्द सेल्वेशन आर्मी चर्च में बैन अल-मसालक इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर मजीद इब्न का कहना था कि हम सब सानहा जड़ावाला की पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम सबको मिलकर मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए एक मजबूत हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है, ताकि कोई भी हमारे दरमियान नफरत के बीच ना बो सके। डॉक्टर मजीद इब्न ने निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर पंजाब हुकूमत के फौरी एक्शन की तारीफ करते हुए कहा कि मरकजी मुलजमान के साथ शरपसंदों की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है और मुतासर गिरजाघरों की बहाली के साथ मुतासर खानदानों की माली अमदाद भी मुमकिन बनाई गई, जबकि तारीख में पहली मरतबा काबीना का अजलास गिरजाघर के अंदर किया गया ताकि मसीही बरादरी से भरपूर इजहार यकजहती किया जा सके। इज्तमा से मुस्लिम और मसीही रहनुमाओं ने भी मुख्तसर खिताबात में सानहा जड़ावाला की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए आपस में इत्तेहाद और भाईचारे की फिजा को फ़रोग देने पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान भर में मसीही बरादरी से इजहार यकजहती किया गया ताकि ऐसे नासर की हौसला शिकनी की जा सके जो पाकिस्तान में अमन के क्याम में रुकावटें हायल कर रही हैं। मगर दुश्मनान पाकिस्तान ये याद रखें कि हम सब एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और क्याम अमन के लिए खसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया।